हेलो। तो आज हम बात करेंगे MFT स्पास टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को पेट दर्द के प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये MFT स्पास टैबलेट जो कि AKM बायोटेक कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 42 रुपए है, जो कि स्टीम में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं मेफनिमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और इधर देखते हैं मेफनिमिक एसिड 250 mg डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg अवेलेबल है। दोस्तों इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर वन, इस टैबलेट को पेट दर्द में यूज कर सकते हैं। नंबर टू, पेट व आंतों में ऐठन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, पेट में रुक रुक कर दर्द होना तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर फोर, पीरियड में पेन हो। नंबर फाइव, पेट में सूजन हो, दर्द हो तो इसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टैबलेट को पेट से रिलेटेड इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा देखा गया है, कुछ ही खुराक में आराम मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। यूज करें इस टैबलेट को एडल्ट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में कुछ खाने के बाद लेना है, और कंडीशन के हिसाब से डोज बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब दिन में तीन टाइम भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम में। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। बार दफा आप अल्कोहल लेते हैं तो इस टैबलेट का यूज ना करें। नंबर टू, प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना लें। नंबर थ्री, किडनी लीवर पेशेंट भी यूज ना करें इस टैबलेट को। नंबर फोर, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। अगर बाय दफा यूज करते वक्त ये दिखे नोजिया, ड्राइनेस माउथ, स्लिपनेस तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो MFT स्पास टैबलेट के बारे में, जो कि पेट दर्द का सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों इस तरह के टैबलेट और भी कई फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि मैप्टाल स्पास टैबलेट, मैप्टाल 4 टैबलेट और ड्रोटीन टैबलेट, ड्रोटीन M टैबलेट, स्पासमोनिल टैबलेट, तो इत्यादि टैबलेट भी मिल जाएगा आपको, तो वो भी परचेज कर सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब टैबलेट भी पेट दर्द के लिए होती है, तो ये भी परचेज कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने जितने भी टैबलेट के नाम बताए हैं उनमें से एक लेना है, ये नहीं कि सब लेना है, नहीं, एक लेना टैबलेट, सारे अलग अलग कंपनी की है और पेट दर्द की होती है, पेट दर्द और बुखार दोनों के लिए ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।